हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज। मेरा नाम अमित कुमार और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। जो वीडियो है जिसका टॉपिक है कि डॉग की क्रॉपिंग करने के बाद उसको संभालना कैसे है, उसकी टेपिंग कैसे करनी है। काफ़ी लोग जो है को डॉग की टेपिंग करते हैं या क्रॉपिंग कराने के बाद उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है और वो संभाल नहीं पाते, जिसकी वजह से डॉग के कान खराब हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप क्रॉपिंग कराएं अपने डॉग की, बट अगर आप क्रॉपिंग कराते हैं तो क्रॉपिंग कराने के बाद अपने डॉग को संभालना कैसे है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये जो बच्चा है शुभम भाई के पास है अभी, और इसका मैं हमने पहले भी एक वीडियो किया हुआ है। इसका फादर एलेक्स है और मदर लारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल डॉग है। तो शुभम भाई से आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो शुभम भाई ने इसकी किस एज पे क्रॉपिंग कराई है और जो एक राइट एज होती है, सही एज होती है, वो क्या होती है क्रॉपिंग कराने की और संभालना कैसे है। तो शुभम भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप बताएं, आपने क्रॉपिंग किस एज में कराई है शुभम भाई इसकी? ये डिपेंड करती है आप क्रॉपिंग किस एज में कराते हैं। आप 60-70 डेज के अबाव कभी भी क्रॉपिंग करवा सकते हैं। और बेस्ट टाइम कब रहता है, जो अच्छा टाइम है वो कब रहता है बेसिकली? तो जो सुना है भाई, दो महीने कम से कम पपीज का वैक्सीनेशन वगैरह दोनों हो जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है? सुना नहीं आपको कि आपने तो खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। लेकिन दो महीने के बाद नीचे, हाँ, दो महीने से कम नहीं। और ज्यादा से ज्यादा कितना एज होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 3-4 मंथ इसके अलावा, क्योंकि उसके बाद फिर वो खड़े नहीं हो पाएंगे खड़े। और फिर ये भी तो होता है ना कि इसकी इनके अंदर की जो कार्टिलेज होती है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वही खड़े ज्यादा प्रॉब्लम होती है फिर। तो शुभम भाई आप बताएं इसके फिर जो आप जैसे जो आप प्रोसेस है पूरा टाके जैसे क्रॉपिंग कराने का, हाँ, और टेपिंग करने का पूरा प्रोसेस आप हमारे जो व्यूवर्स हैं हमारे यहाँ पे जो आज लोग देख रहे हैं वो प्लीज इस वीडियो में बने रहे। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन क्रॉपिंग के बाद कैसे टेपिंग करनी है और कैसे बच्चों को संभालना है, वो इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज शुभम भाई आपसे बताएं। बेसिकली क्रॉपिंग के बाद पपीज को स्टेचस लग दे जाते हैं कान पे, टाके लग जाते हैं, टाके बोलते हैं, तो वो 1 वीक बाद खोले जाते हैं, एक सप्ताह के सच्चाई से। उसी बीच में दो पपीज को एंटीबायोटिक आपको करना है 4-5 दिन तक कंटिन्यू दोनों टाइम। वो टेबलेट डिपेंड्स उसके बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। कौन सी टेबलेट आपने दी है अपने डॉग को? टॉक्सोमोक्स हो गया, मोनोसेफ हो गया, अपना एग्वामेंटिन टाइप जो भी ऑगमेंटन 325 हो गया, हाफ हाफ टेबलेट, तो वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप उसको टेबलेट। अच्छा, तो वो आप अपने जो वेट है या जिनसे आपने कराई है उनसे बात कर ले और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है उसकी वो करें कि कितना उसको दवाई देनी है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, एज के, या फिर जैसे कुछ ब्रीड थोड़ी कम बॉडी वेट की होती है तो उनको भी करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप करें। बट आप कोशिश करें अपने डॉग की क्रॉपिंग ना कराएं, कोई जरूरत नहीं है क्रॉपिंग कराने की। बट फिर भी अगर कुछ लोग कराते हैं, देखो सबका अपना अपना वो होता है, हम प्रमोट नहीं करते क्रॉपिंग को बिल्कुल भी, हम क्रॉपिंग और डॉकिंग दोनों को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। अगर आप कराते हैं तो उसको कैसे संभालना है, ये हमारा टॉपिक है हमारा आज। तो बताएं शुभम भाई फिर आगे क्या क्या नेक्स्ट प्रोसेस है? जब तक उसके कान हील नहीं होते हैं देन फिर आप उस पर टेपिंग स्टार्ट करते हो। अच्छा, तो टेपिंग में आपको बेसिकली इस टाइप से ये फोम की स्टिक होती है, इसे एसी की फोम स्टिक कहा जाता है। तो ये क्या कहाँ से मिलती है? ये मार्केट में अवेलेबल है बेसिकली, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अच्छा, सब जगह। इसका पर्पस क्या है वैसे, इसके अलावा? ये फोम के लिए होती है, ये शायद इसको एसी की नली कहा जाता है बेसिकली। और भी जैसे फॉल सीलिंग वगैरह और भी चीजों में वर्क आती है, सब अलग अलग यूज कर सकते हैं स्टिक का। तो ये स्टिक बेसिकली यूज होती है। तो सबसे पहले मतलब मैं बेसिकली आपको करके ही दिखा दूं, वो मैं वही बोल रहा हूँ आपको। तो कान हील होने के बाद 1 वीक के बाद आप क्योंकि बंदा सा मैं करता नहीं हूँ, बट कोई नहीं, मैं थोड़ी हेल्प आपकी करता हूँ। बताएं आप मुझे क्या करना है सबसे पहले? तो बेसिकली अपने फर्स्ट चाहिए स्टिक, सेकंड कॉटन, थर्ड टेप। ये टेप कौन सा है? आप इसको पेपर टेप भी ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और कॉटन टेप भी ले सकते हैं, जो कहाँ से? मेडिकल स्टोर से। अच्छा अच्छा, ठीक है। और एक सीजर, ठीक, क्योंकि आपको टेप कट करने के लिए सीजर की आवश्यकता लगेगी जी। तो बेसिकली आप सबसे पहले क्या करो कि कॉटन से आपके डॉग्स के कान, ईयर क्लीनिंग, जो भी आपको जिस भी पर्पस पे जैसे करनी है, ऑलरेडी इसके तो क्लीन है। अच्छा, हां, इसके तो बिल्कुल साफ है ऑलरेडी, आपने साफ है, बट इस तरीके से पूरा कान अंदर बाहर दोनों साइड पोर्शन से इसको साफ करके, ये अभी पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे अभी। ये टेप को आपको जो स्टिक है इससे ना
रिवर्स साइड से चलानी है, मतलब जो गम वाला पोर्शन है टेप का वो ऊपर आ जाए। अच्छा, ये जो गम है ये ऊपर रहे, ये जो स्टिक है इसके ऊपर की साइड में गम रहे, इसके ऊपर की साइड रिवर्स करके उसको चलाना है। चलाना है। अच्छा, ये किस लिए, गम वाला पोर्शन ऊपर किस लिए? ताकि वो उसको सीधा रखे। फिर आपने कर लिया? ठीक है, मैं डायरेक्टली फटाफट क्योंकि वीडियो काफी लंबा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इस तरह से आपको इस तरह से बच्चे के कान पे डाल के इसको और ये पकड़ लिया ऊपर वाला। अच्छा, ये ऐसे पकड़ना है, ऊपर टॉप पकड़ना है। हाँ, टॉप पकड़ना, और बहुत कोई हार्ड टॉपिंग नहीं करनी है, नॉर्मली है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ऐसा करके दिखाता हूँ जी। ये आप बस देख लें कि कान सीधा है, कान सीधा रहना जरूरी है। हाँ, तो थोड़ा सा सीधा, किसी की हेल्प लग जाए तो। अच्छा, टेपिंग टेप आपको लगानी है इस पे, स्टिक पे, आगे से पीछे, ये नहीं भूलना है, पीछे से आगे नहीं करना। अच्छा, आगे से पीछे, आगे से पीछे। तो जो व्यूवर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत ध्यान से देखें, इसको बहुत ध्यान से देखना इसलिए जरूरी है कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर दोगे तो बहुत आपका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल भी टाइट या हार्ड तरीके से बहुत इजीली देखोगे आप, शुभम भाई बहुत स्मूथली इसको घुमा रहे हैं इस तरह से, मतलब कि ठीक है। तो ये जितना भी बड़ा कान है उसके अकॉर्डिंग ये राउंड आ रहा है, राउंड आ जाए, और ये हमने इसको कट कट कर दिया। अब जब ये टेप चिपक जाए उसके बाद आप जैसे कान का जो पोर्शन होता है उस पर हल्का सा ऐसा, अच्छा हल्का सा दबाना है उसको, प्रेस जो गम होगा वो उस पे चिपक जाएगा कान पे। अच्छा, ये दैट ये टेपिंग है, टेपिंग हो गई, और सेम इसी तरह से हमारा दूसरा हो जाएगा, जैसे नेक्स्ट होगा सेम ऐसे, सेम जैसे इधर इस कान में अपन ने करा था, दूसरे कान पे भी सेम सेम। वीडियो में जैसे इस कान पे टेपिंग की थी शुभम भाई ने, सेम टू सेम उसी तरह से इस पे कर दी है। बट आप प्लीज ध्यान रखें, आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, आप किसी जो प्रोफेशनल है उनकी हेल्प जरूर लें, ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत ही कर बैठे हैं। तो ये सिर्फ जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो केवल आपको इन्फॉर्मेशन देना, अगर आपको पता भी है थोड़ा आइडिया है तो आपको किस तरह से करते हैं वो शुभम भाई ने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, आपने जो मुझे बोला इस तरह से कान पकड़ना है, तो खड़े हो चुके हैं 99% तक तो उसका काम हो चुका है जी। बट अगर आपको लग रहा है कि आपके कान इधर उधर गिर रहे हैं, कोई एक गिर रहा है या एक खड़ा है जी, तो आप क्या करो उसको बेसिकली ऊपर से हल्का सा ऊपर से पकड़ना, थोड़ा सा बस। आप क्या कर सकते हो, ये मैं वीडियो में बोल के बता दूंगा। हाँ, बताएं 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 शुभम भाई, कोई नहीं, ये तो चल रहा है। अच्छा, इनको सब मतलब ये है कि इनको थोड़ा सपोर्ट देना है बस, ये ना बीच में एक जैसे एक स्टैंड टाइप आप बना सकते हो कि ये रुके रहें, ये रुके रहें, ये इधर 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 ना गिरे, तो ये बीच में एक आपका स्टैंड बन गया, इसको सपोर्ट मिल जाएगा कानों को। फिर ये आपकी टेपिंग जब आपको लग रहा है बस ये गीली ना हो, ये विशेष रूप से गाना, जैसे गीली हो आपको इसको चेंज करना है। और वैसे कितने दिन में चेंज करना है हमें? बेसिकली आप उसको 3-4 दिन आपके यहाँ जैसा, मेन हर व्यक्ति जैसे मेरे अगर वो क्लीनिंग से है तो जरूरत नहीं है, आप 4-5 दिन तक भी उसको रख सकते हैं, बट 3-4 दिन में चेंज कर देना चाहिए। तो आप इस वीडियो में एक चीज आपने और नोटिस की होगी, अगर नहीं की है तो आप नोटिस करें, जैसे पपी को टेपिंग की है शुभम भाई ने, तो इतने प्यार से और इतना स्मूथली इन्होंने काम किया है कि इसमें बिल्कुल भी पेन फील नहीं हुआ, किसी भी तरह का पेन नहीं हुआ है डॉग को, बच्चे को। तो अगर पेन होता है तो फिर वो उछल कूद करता है, तंग होता है बेचारा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज जो है शुभम भाई ने की है। तो अगर आपको टेपिंग करनी है क्रॉपिंग के बाद, जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये चीज़ें थी जो शुभम भाई ने आप लोगों को दिखाई इस वीडियो में। और अगर कान खड़े नहीं होते तो ये टेपिंग थोड़ा सा लंबा चलती है, और शुभम भाई क्या इसी तरह से इसको आगे टेपिंग करना है? इसी तरह से नहीं करना, जैसे आपके इसके कान खड़े हो गए हैं जी, तो आपको जरूरी नहीं कि आप इसमें बीच का स्टैंड लगाएं, आप डायरेक्टली हल्का सा कान को टेप कर दो तो वो खड़ा हो जाएगा बेसिकली। थोड़ा टाइम लेते हैं जो भी लेकिन ठीक है। तो ये एक वीडियो था टेपिंग के ऊपर और क्रॉपिंग को लेके, तो अगर आपने करना है तो किस तरह से आपने वही करवाएं जिनको ऐसी कोई जरूरत है, वरना आदमी परेशान हो जाएगा। ये मैं जरूर ना कराएं, ज्यादा ना ही कराएं, मतलब हम तो यही बोलना चाहते हैं कि ना कराएं,
अब कोई जरूरत नहीं है, बिना क्रॉपिंग के भी डॉग बहुत अच्छा लगता है, बिना डॉकिंग के भी डॉग बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एलेक्स को देखोगे, इसके फादर को देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल डॉग लगता है। तो अभी हमें उस तरह की कोई नीड नहीं है, अगर आपको है तभी आप कराएं। और कराने के बाद इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें जो शुभम भाई ने आपको अभी दिखाया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।